राम राम जी, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? धुआं लग रहा है मेरे को, सुबह सुबह बहुत धुआं है यहाँ पे। हवा आती है ना, सुबह सुबह का टाइम हवा आती है ऊपर से बहुत ज्यादा, और फिर जो बिना आग जलाए सरता भी नहीं है ना। तो मैंने बनानी है अभी अरबी की बेड़ू भी बनानी, थोड़ी सी सब्जी भी बनानी है ना। तो ये है कचालू, मेरे पीछे वो पड़ी हुई है। ये मैंने ना यहाँ ऐसे मैं लेट जाती हूँ, जो मेरी गर्दन में दर्द हो जाती है ना, तो मैं लेट जाती हूँ पीछे को। वो मेरा ना ट्राईपोड छोटे वाला ना नीचे रह गया है, मायके में भूल गया है। और हाँ, मेरे को ना आपसे एक बात करनी थी। वो क्या कहते हैं, काफ़ी लोगों ने मेरे को पूछा था ना कि वो चूल्हे की वीडियो मैंने पहले भी बताई बनाई थी, मैं फिर से बता देती हूँ, फिर से मैं बताऊँगी, फिर मैं ग्राफ पे आपको बाद में अलग से वीडियो बना दूँगी। जो चूल्हा है ना, ये गर्म पानी का है और इसमें अंदर लोहे की टैंकी है और ये सिंक को चला गया। सिंक आपने देखा है मेरे किचन में, वो वहाँ पे सिंक है। तो आजकल ये बड़ा सुख है कि जैसे ये आग जलाई है ना, तो पानी गर्म हो रहा है, इस पानी से नहा लो, बर्तन धो लो, कुछ भी कर लो, रॉड की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हीटर में गर्म करो या रॉड में, हम तो करते हैं ना, पर मतलब बर्तन धोने के लिए हम सर्दियों में कभी भी ठंडा पानी यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारे चूल्हे में हर टाइम जो गर्म पानी उपलब्ध रहता है। तो मुझे बताना, मुझे किसी ने बोला था एक दिन, मुझे ध्यान नहीं रहा, फिर मैं मायके चली गई, फिर वहाँ पे फिर आके मुझे बोला था किसने कि जो है वो आप वीडियो बनाएगा। तो काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आता कि इसमें कैसे लोहा है ना, तो मैं आपको एक पेपर पे बना के और फिर इसका जो है वो दे दूंगी डेमो जो भी है। तो आप मुझे बताना है ना कमेंट करके कि कैसे क्या करना। तो बहुत धुआं लग रहा है। तो कढ़ाई मैंने कुछ नहीं रखी है, अदरक और इसमें ये हरी मिर्च और ये है अदरक, इसको मैं अच्छी तरह से वो कर लूँगी, क्रोड़ना बोलते हैं हमारे। बहुत ठंड है और मेरी गर्दन में अभी भी दर्द है, पता है आप लोगों को। और हाँ, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, नहीं तो फिर ना ये बाद में कहनी पड़ेगी या किसी वीडियो में, तो रोज़ बोलते रहेंगे कोई ना कोई। अब लोग पता क्या, वीडियो पूरा देखते नहीं और बीच में कमेंट कर देते हैं ना। तो कल मुझे कमेंट आया था मेरे दूसरे चैनल पे, हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर पे, पता नहीं ये चैनल भी देखते हैं, हाँ देखते तो होने, चलो मैं वहाँ पे भी बोल दूँगी। तो कि आप लोग जंगल में लकड़ियाँ काटते हो, सरकार आपको जो है वो देती हैं उसके लिए, ये मेरा दूसरा फ़ोन है, आप साइड में रखती हूँ। नहीं तो सरकार जो है आपको ना वो देती हैं, घास काटने को जंगल देती हैं और आप लकड़ियाँ काटते हो इसमें। और एक आया था कि आप लकड़ियाँ क्यों काटते हो, देखिए मतलब ऐसा है, मैं आपको समझा देती हूँ ना प्यार से। एक तो पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि जो हमने जहाँ पे हम कल लकड़ियाँ काट रहे थे ना, धुआं पीछे हट रहा है, तो वहाँ पे जो है वो अपनी हमारी अपनी जगह है, मलकीत जिसको बोलते हैं अपनी, ठीक है, वो जंगल नहीं है। जहाँ पे जंगल है वहाँ पे हम लकड़ियाँ नहीं काटते, वहाँ पे हम सिर्फ घास काटते हैं, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। हम अपनी घास नहीं, में सारे ही गांव के, मैं ही नहीं, कोई भी नहीं जाता जंगल में लकड़ियाँ काटने। तो कृपया करके आप जो है समझ लें, ध्यान से वीडियो को देख लें, तो फिर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और सेकंड, दूसरी बात ये कि आप ये ख़त्म कर दोगे काट काट के, है ना, काट काट के जंगल जो है, चाहे वो उनका ये कहना था कि चाहे हम अपनी घास नहीं में काट रहे हैं, चाहे कहीं भी काट रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ये जो लकड़ियाँ हैं ना, ये 2 साल बाद ना फिर से वैसे ही मोटी हो जाती हैं। आपने शायद नहीं देखे होंगे, हम जंगल उस तरह से नहीं, अपनी घास नहीं उस तरह से नहीं काटते ये लकड़ियाँ, तो उसको लैंडना बोलते हैं। घास के लिए जगह साफ़ सुथरी करनी पड़ती है और हर जगह पे हम नहीं काटते। और ये लकड़ियाँ 2 साल बाद आप फिर से देखोगे, ये फिर से वैसी ही की वैसी हो जाएंगी, उतनी ही बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो आप यहाँ पे आइएगा और देखिएगा, जो हमने 3 साल पहले काटे थे लकड़ू, तो वो आज फिर से झाड़ बड़े बन चुके हैं। तो ये साफ़ सफाई हमें अपनी घासनियों की, खेतों की करनी पड़ती है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से,
और आपका कमेंट अब नहीं आएगा इस तरह का, तो आपने बिल्कुल सही कहा, पेड़ पौधे लगाने भी चाहिए। हाँ, संगीता दीदी ने भी कहा था दिल्ली से, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मतलब लगाते भी रहें, तो हाँ जी हम पेड़ पौधे लगाते, लेकिन ये जो जंगल में होते हैं ना, ये अपने आप उगाते, इनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो चलो अभी हम बनाएंगे, पहले मैं इसको कूट लेती हूँ अच्छी तरह से, और मैंने लगा के रखा है, आपने लेना माइक? नहीं जी, मैं बोल रही हूँ कि ऐसे बैठे हैं ना, तो कम से कम ऐसे, मैं तो खाना बना रही हूँ ऐसे, देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। फिर आप बोल रहे थे कि आप इनको सिखाओ, पहले इनको क्या सिखाऊं जब इन्होंने सीखना ही नहीं। अभी मैं आपको वज्रासन बताऊंगी, बहुत सारे खाना पचाने के ऐसे आसन हैं, और जो मैंने खुद किए हैं, ठीक है, वो की थी एक्सीडेंट। अच्छे, तो इसको मैं कूट लूँगी अच्छी तरह से, और सुनाइए आप लोग। आँख में पड़ गया अदरक का टुकड़ा, गाना गाते हैं बड़ा अच्छा है, सुनना आपने गा तो आपकी तरफ देख के बोलते हो कभी मेरे को देख बोलते आ जाओ आप लोग आग सेक लो आ जाओ तो ऐसी ऐसी बात है, पता है क्या क्या कमेंट आ रहा था, पहले तो जंगलों लकड़ियां क्यों कटूंगा भाई, सरकार ने भी आपको थी जंगल सोचे होंगे कि नहीं है। ये भगवान से मारी अपनी है नहीं, वो मारी अपनी नहीं है घासनी में, मैंने बोला वो मारी अपनी, उनको लगाना अभी को जंगल है बस। चलो अभी ना मैं आधा रख दूंगी इसको परांठे के लिए, और आधा जो है मैं बनाऊंगी इसकी सब्जी है ना। माए नी मेरी शिमले दिराहें, चंबा है कितनी दूर है, चंबा है कितनी दूर, हो शिमले नी बसना कसोली नी बसना, शिमले नी बसना कसोली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबा है कितनी दूर। देखो मेरे को हंस रहे हैं, देखो तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने अरबी काट दी थी, अब मैं पहले अरबी बना लूंगी, आज सिंपल ही बनाऊंगी सब कुछ, परांठे भी और अरबी भी। मन नहीं होता ना कुछ चीज बनाने का, तो बस ऐसे बस हो गया हमारा, ये जल्दी हो जाएगा, आग बहुत ज्यादा तेज जली, और ये बोल रहे थे कुछ तो देखिए यहाँ पे फुलके मैंने बना दिए हैं, और ये मैंने पेस्ट भी रखा, वो भी रखा था जो मसाला पिसा था, अदरक लहसुन और मिर्च, आज मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी, और इसमें हम हरा धनिया, पालक के पत्ते, ऐसा सब कुछ डाल सकते हैं, हरी हरी सब्जियां, और इसको ये जो अरबी है ना इनको मैं कूट लूंगी इसमें अच्छी तरह से, और फिर मसाला नमक हल्दी वगैरह इसमें मिला दूंगी ज्यादा तो नहीं, और ये यहाँ पे रोटी पैक कर रहे हैं अपने लिए, तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब जो है मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ, और इनके लिए मैं सब्जी डाल रही थी,
पीछे से कढ़ाई मिर्च कढ़ाई से बस वैसे ही बनते हैं जैसे आलू के परांठे बनते हैं, कोई भी परांठे दो दो करके भी बना सकते हैं हम, दो फुलके कर दिए जैसे। तो इसमें चकले बेलने की जरूरत नहीं पड़ती, पतला हो गया था पेस्ट थोड़ा सा ना, अगर मैं ज्यादा करती तो नीचे चिपक जाता, तो इसको मैं ऐसे हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं। बस बन गया हमारा रवि का परांठा, सब्जी भी बन गई और परांठा भी बन गया। तो ये देखिए ये बन गया है अरबी का परांठा, और डालडा मैंने इसमें लगाया था। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताना जरूर, और लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा, शेयर कर देना। ये मैंने दो चपातियों में बनाया था क्योंकि पेस्ट ना कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया था। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।